2023 आ चुका है, यूजी टब्रू के रिलीज डेट का पता चल चुका है और वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। भाई नया साल आ चुका है यार, और नए साल में यूजीडब्ल्यू ने हमें एकदम जबरदस्त तरीके से सरप्राइज दिया है। भाई देखो, मैं आपको पहले ही बोल देना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में वो कुछ ऐसा बताने वाला हूँ यूजीडब्ल्यू के बारे में जिससे कि आपको फाइनल रिलीज डेट का पता चल जाएगा और उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फुल्ली प्रूफ के साथ फुल्ली लॉजिक के साथ मैं आपको रिलीज डेट बताना चाहता हूँ। अब देखो, मैं आपको रिलीज डेट बता दूंगा तो आपको यकीन थोड़ी होगा कि ये रिलीज डेट है, आपको प्रूफ वगैरह तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो देखो, 1 जनवरी को यूजीडब्ल्यू ने ये वीडियो रिवील किया था। बेसिकली इस वीडियो के अंदर उन्होंने 2022 की एंड आने वाले साल की बात की है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 2022 में उन्होंने जो रिवील किया, जो कुछ बताया हमको, सिंपल उसका एक रिवाइंड वीडियो है ये। और इस वीडियो में खाली रिवाइंड है ऐसा नहीं, इस वीडियो में उन्होंने 2023 में जो अपकमिंग ट्रेलर होंगे, अपकमिंग गेम प्ले होंगे, जो कम्युनिटी प्ले टेस्ट होंगे 2023 के अंदर गेम लॉन्च से पहले, वो सभी कुछ के बारे में बताया है। भाई ये यूजीडब्ल्यू की वन ऑफ द बिगेस्ट रिवील में से एक है। अभी मैं आपको उसका रिलीज डेट बताता हूँ। यहाँ पर अभी सिंपल इनका लोकेशन रिवील का सीरीज स्टार्ट हो गया, यानी कह सकते हो स्टार्ट ही है अभी तक। ये अभी तक ओनली फॉर जो बड़े बड़े लोकेशन है, जो मेन लोकेशन है खाली उनका लोकेशन रिवील कर रहे हैं, और ऐसे टोटल 8 लोकेशन है। मेरी बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करना, अभी आप लोग को समझ पड़ेगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर यूजीडब्ल्यू वाले हर एक वीक में एक लोकेशन रिवील करते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से लोकेशन रिवील के सीरीज को खत्म होने में ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम लगेगा, यानी कि जनवरी को भूल जाओ, फरवरी को भी भूल जाओ। अब आता है मार्च का टाइम। अब देखो, ये लोग मार्च के टाइम पे गेम प्ले रिवील करेंगे या प्ले टेस्ट करेंगे या फिर बीटा टेस्टिंग करेंगे, उनका हमें कुछ भी पता नहीं है, कोई भी हिंट नहीं है। मुझको तो लगता है ये लोग सबसे पहले बीटा प्ले टेस्ट करेंगे, उसके बाद सिंपली कम्युनिटी प्ले टेस्ट करेंगे, फिर गेम प्ले के धीरे धीरे ट्रेलर्स रिवील करेंगे, कैसा गेम प्ले है, किस तरीके से कैरेक्टर के ढूंढने का स्टाइल है, किस तरीके से गोली चलाता है, वो सब वगैरह वगैरह रिवील करेंगे। और इन सभी चीजों के अंदर उनको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम तो जाने वाला ही है, ये भी क्लियर, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाएंगे टेस्टिंग करने के लिए, बहुत सारे चैनल पे थोड़े बहुत वीडियो भी आएंगे गेम प्ले के, टेस्टिंग वगैरह के, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ पेड कोलैबोरेशन होंगे इस गेम के, मतलब कि ऐसे लॉन्च से पहले एक अमेजिंग से ऐसा बहुत ज्यादा हाइप लोग क्रिएट करेंगे चारों तरफ से। अरे हुए सभी तक आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो अगर, तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना वीडियो। अगर आपको मेरे समझाने का स्टाइल पसंद आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ पड़ पा रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। क्योंकि देखो, कोई सेलिब्रिटी से मेरे पास कम ऑडियंस बेस है या कोई बड़े यूट्यूबर से मेरे पास कम ऑडियंस बेस है, यानी आप लोग मेरे साथ वैसे बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स है मेरे, यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर्स की केयर करता हूँ, कोई गलत चीज उन तक शेयर होने नहीं देता हूँ, कोई गलत न्यूज उन तक नहीं पहुंचाता हूँ। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, जैसे कि आप लोग उसको देख सकते हो अक्षय कुमार, वो कैसे विमल वगैरह ऐड वगैरह ऐसा करता है कुछ कुछ, लिटरली मेरा फेवरेट हीरो था। यहाँ पर अक्षय कुमार को तो पता है, उसके पीछे बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके बहुत बड़े फैन है, वो भी विमल खाना स्टार्ट कर सकते हैं उनको देख कर। वो अपने ऑडियंस का नहीं बल्कि अपने पैसों के लिए काम कर रहे हैं, अपने पैसों के लिए सोच रहे हैं, पैसा कमाना जानते हैं। अब यही काम बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं, लाइक नाम तो नहीं लेना चाहूंगा यार, जैसे कि विंसो वगैरह, कोई अर्निंग एप्लीकेशन एप्लीकेशन जिससे कि हम एक दिन के 5,000 रुपए कमा सकते हैं। ऐसे में जो यूट्यूबर या कोई बंदा इस एप्लीकेशन का प्रमोशन करता है, वो तो कमा पाता है इस ऐप इसका प्रमोशन करके। अपनी ऑडियंस को साफ सुथरों भाषा में, साफ सुथरों अक्षरों से वो झूठ बोल रहा है, जस्ट कुछ पैसों के लालच में आके। मुझे पता है मैं टॉपिक से थोड़ा हट रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी आप लोगों को बताना, इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उनकी वजह से उनके ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनके ऑडियंस का कितना सारा टाइम वेस्ट होगा वो उनको नहीं दिखता, उनको खाली पैसा दिखता है यार। इतनी बड़ी ऑडियंस बेस उनके पास उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कोई भी एप्लीकेशन, ऐसा किसी चीज का भी प्रमोशन नहीं करूंगा जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होता है, या फिर आपको कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट जिससे आपका मोबाइल हैक हो, वायरस आएगा, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो ओके, तो अब चाहो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम कहां तक पहुंचते हैं यूडब्ल्यू में? हाँ, तो वही बीटा टेस्टिंग, प्ले टेस्ट, वो सब करने में पूरा का पूरा, मतलब गेम प्ले रिवील सब कुछ करने में उनको ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम तो और जाने वाला ही, ऑफ कोर्स ही बात है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो ऑलमोस्ट अप्रैल का मंथ तो आ ही चुका है, यानी कि सीधी सी भाषा में अप्रैल के मंथ तक गेम रिलीज नहीं होगा, इतना तो फिक्स हो चुका है। मई और जून, इसमें कोई बहुत ही बड़ा इवेंट भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा त्यौहार भी नहीं है इन 2 महीनों के अंदर। कोई बहुत ही बड़ा फेस्टिवल वगैरह होता तो हम मान सकते हैं उस डेट को आने वाला है मई और जून के अंदर, बट यहाँ पर कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं है मई और जून के अंदर। यहाँ पर गेम तो अप्रैल के बाद आएगा उतना फिक्स है, बट यहाँ पर मई जून कौन से मंथ में आएगा वो भी फिक्स नहीं है। 2 मंथ में आएगा उतना तो फिक्स है, मतलब कि मई और जून के अंदर आएगा, बट यहाँ पर कौन सी डेट को आएगा वो फिक्स नहीं है। ऑलमोस्ट सब कुछ कम्प्लीट तो हो चुका होगा अप्रैल के लास्ट वीक तक, लास्ट मंथ तक, लास्ट डेट तक, खाली गेम को रिलीज करना बाकी होगा। तो मे बी मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में गेम रिलीज हो हमारा यूजीडब्ल्यू।
मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद, बहुत ही सोचने के बाद, बहुत ही लॉजिक लगा के आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैंने अभी तक जितने भी गेम के रिलीज देखे हैं, सब लोग गेम मतलब कि इसी टाइप से रिलीज हुए हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पांच में या फिर छठे महीने में गेम रिलीज होने वाला है। मुझे पता है बहुत से प्लेयर्स उदास हो गए होंगे या फिर बहुत से प्लेयर खुश भी होंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम के बाद गेम रिलीज होगा, अच्छे से खेल जा सकते हैं गेम को। एनीवेज गाइस, मुझे पता है आपको इस वीडियो से गेम के रिलीज डेट का तो अंदाजा लग ही गया होगा, पता चल गया होगा। आज तक आपको इतना क्लियर है यूट्यूब पे रिलीज डेट के बारे में किसने नहीं बताया होगा यूजीडब्ल्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना। और हां गाइस, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, आप लोग चाहो तो मुझे वहां फॉलो कर सकते हो, लिंक इज वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो मैं मिलता हूं मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।